पिछले 51 दिन से प्रदेश भर में बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में प्रदर्शन जारी है। लगातार 50 दिन से हम धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए थे। आज हम 51वें दिन पर हम आज इसलिए मजबूर हुए क्योंकि अब तक इतनी मीटिंगें हो चुकी हैं, अब तक इस समस्या का कोई समाधान निकलता नहीं आ रहा। सरकार भी हठधर्मिता अपनाए हुए हैं, इसलिए आज हमने रोष प्रदर्शन किया ताकि सरकार को जगाया जा सके, करनाल की जनता को बताया जा सके। हमने पूरे मार्केट से मार्च निकाला है, इसका यही संदेश था कि आम जनता हमारे साथ आए। हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये समाज की हर वर्ग की लड़ाई है। सिर्फ विद्यार्थी वर्ग या मेडिकल की शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी नहीं, आने वाले टाइम में इससे पेशेंट लोग हो गए और किसान का मेरे वर्ग का हर बच्चा जो डॉक्टर बनने का सपना सोचता है उसकी भी अभी आगे बनकर लड़ाई रह जाएगी, इसलिए उनको तब आगे आना पड़ेगा। इससे अच्छा है आज के टाइम में वो हमारे साथ आएँ ताकि हम इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचा सकें। बॉन्ड पॉलिसी 4 पॉइंट में ख़त्म नहीं हो जाती कि 40 लाख से 30 लाख रुपए कर दिए गए हैं, 7 साल से 5 साल कर दी गई है, लड़कियों को छूट कर दी गई है। अभी भी पॉलिसी में कई बातें अनक्लियर हैं जो सरकार ने उस दिन मीटिंग में बोली थी, वो अभी सरकार ने लिख के नहीं दिया है। अगर सरकार उसको सही तरीके से लिख के सही तरीके से बच्चों के आगे पेश करती है तो बच्चे उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। अगर हमें ये लगता है कि 50 दिन में हम बच्चे छत पर बैठ जाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हम अन्याय के खिलाफ पहले भी लड़ रहे थे, अभी भी उतने जोर शोर से लड़ रहे हैं। आज हमने पोस्टमार्टम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसमें हम ये दिखाना चाहते हैं कि उनके अंदर कितना डर है, सिर्फ पैसों से मतलब है उनके। उन्हें ये दिख रहा है कि 50 दिन से बच्चे कितने परेशान हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ के सड़कों पर बैठे हैं, पर उन्हें क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा, उन्होंने सब अनसुना कर दिया है। और आज हमें हमारे पेरेंट्स ने, हमारे माता पिता ने, अन्य कुछ एसोसिएशंस के लीडर्स ने, उनके साथ बहुत लोगों ने हमें ज्वाइन किया है और वो हमें सपोर्ट दिखाने के लिए।